हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। आज मैंने इस डोरमेट को बहुत आसान तरीके से बना लिया है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैंने इस डोरमेट को वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से बनाया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के वेस्ट पड़े हुए कुर्ती में से आज हम डोरमेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई कुर्ती है, आप इसकी जगह कोई और भी कपड़ा ले सकते हैं जो वेस्ट पड़ा हुआ हो। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती ली है। अब हम इसमें से स्टेप कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप इसमें से कट कर ली हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें, तो मैंने यहाँ पर 4-4 फिंगर की दो स्टेप कट की, यानी कि एक स्टेप की है तो 8 फिंगर जितनी मैंने यहाँ पर ये स्टेप कट की है। अगर आप इसे नाप कर लोगे तो ये 4 इंची है। तो अब हम इसे डबल करके फोल्ड करेंगे और इसमें हम इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और ये हमारी प्लेट्स वाली स्टेप बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसके लिए वेस्ट देख लेते हैं। इसी तरह से हमें सारी स्टेप बनानी है, जितने भी कलर लगाने होंगे और जितनी भी हमारी स्टेप लगेंगी उतनी। तो मैं यहाँ पर दो कलर से बनाऊंगी। तो एक मैंने यहाँ पर लिया है पिंक कलर और एक लिया है मैंने ग्रीन कलर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। अगर आपके पास एक कलर है तो आप एक कलर से बना लें, अगर आपके पास दो कलर हैं तो दो कलर से बना लें। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेस कट कर लिया है। तो अब हम अपनी स्टेप लेंगे और यहाँ पर हम कहीं से इसे शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से शुरू करेंगे और इसकी चारों तरफ हमें ये स्टेप को सिलना है, ये देखिए इस तरह से लगाना है। तो इसी तरह से हम चारों तरफ इस स्टेप को लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से सिलना नहीं चाहते हैं तो आप पहले स्टेप लें, उसमें प्लेट्स लगाते हुए इस पर सीधे डायरेक्ट आप बेस पर भी सिल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है अगर हम पहले इस तरह से स्टेप लगा सिल लेते हैं उसके बाद हम बेस पर लगाते हैं। तो अब मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक लेयर इस पर लगा ली है और ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम इस पर सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर पिंक का यूज करूँगी, पिंक वाली शेफ को। तो इस तरह से हम रखेंगे, यानी कि यहाँ से हमें 2-2 फिंगर जितना छोड़ना है और इसके ऊपर हमें इस तरह से रख कर सिलना है। आप चाहें तो पहले यहाँ पर मार्क कर लें उसके बाद सिल लें। अगर आप इस तरह से भी सिल सकते हैं तो इसे ऐसे भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से स्टेप को कट कर देंगे। तो एक सर्कल में हम इस स्टेप को सिल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पिंक से भी इसमें लेयर्स लगा ली हैं। तो अब हम 2 लेयर्स पिंक की और लगाएंगे जिससे इसमें एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से गैप छोड़ते हुए, तो यहाँ पर 2 लेयर हम पिंक की लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद एक और लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पिंक से इसमें लेयर्स लगा ली हैं। तो 3 लेयर्स मैंने पिंक की लगाई है और 1 मैंने यहाँ पर ग्रीन की लगाई है। तो अब हम इसे पूरा फिल करेंगे ग्रीन कलर से। तो अब हम इस तरह से इसे, इसको हम यहाँ तक इसे सिल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं, जितना भी लगेगा उतना हम इसे सिल लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड करके इस तरह से एक रो सा बनाकर यहाँ पर इसे सिलना है। तो इस तरह से हमारा ये डोरमेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं इसे सिल लेती हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए, ग्रीन की मैंने 1 लेयर लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर फिर से ग्रीन को लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे सिलेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे, इस तरह से एक फ्लावर जैसा बनाकर हम इसे यहाँ पर सिल लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ऐसे फोल्ड कर लें।
इस तरह से। आप चाहे तो इस तरह से भी आप इसे सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिल लेती हूँ। तो अब हम इसे सुई और धागे से सिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलाई मशीन नहीं चल सकती है, इसलिए। अगर आप इस तरह से नहीं सिलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी सर्कल में कट करके कपड़ा भी सिल सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पर सिल दिया है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर का कपड़ा लेंगे, या फिर आप पिंक कलर का भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर कोई कपड़ा लगाएंगे जिससे ये जो सिलाई है वो दिखे ना। तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है, आप इसकी जगह ग्रीन भी ले सकते हैं। तो एक पोटली बना ली है उसकी, तो इसे भी हम सिल लेते हैं इसमें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे सिल लिया है और ये डोरमैट हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। और ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा होगा, वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से आज हमने कितना ही सुंदर सा ये डोरमैट बना लिया है। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रंगोली के जैसा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।